अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने लंच पे बनाया है काबली चनों का पुलाव। यहाँ पे मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी चलिए और चल के देखते हैं रेसिपी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने रेसिपी ट्राई की है तो ये कैसी बनी है। मैंने ऑयल लिया है और उसमें जो है वो प्याज डाल दिया, एक प्याज शामिल कर दिया मैंने इसको इसमें। अब इसको जो है हम ब्राउन कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। अब इस पॉइंट पे आके जब प्याज हल्का हल्का ब्राउन शुरू हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे एक भरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी लौंग शामिल कर देंगे 6 से 7 दाने, गरम मसाले। इस पॉइंट से डालने का मकसद ये है कि इनका जो राइस है ना वो अच्छे से ऑयल में निकल आता है, उसके पुलाव के टेस्ट को डेवलप करता है। प्याज जैसे हमारा ब्राउन होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। चलिए जी, अब इस पॉइंट पे अब हमारा प्याज जो है वो हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें, इनका मैंने पेस्ट बना लिया, वो मैं शामिल करूँगी। अब साथ ही हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मिर्च आप अपने मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें वैसे तो नॉर्मली चावल में जो है पुलाव में हल्दी शामिल नहीं की जाती, पर मैं इसमें एक पिंच हल्दी का शामिल करूँगी। नमक हस्ब जायका, अब हम जो है इसका पानी खुश कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे मसाला। अच्छा, अब जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना अच्छा आपका पुलाव बनेगा। पुलाव का सारा जायका आपके मसाला भूनने पे ही डिपेंड करता है। इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, मैं इसकी लुक दिखाऊंगी जब ये भून जाएगा कि आपने किस तरह से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना जायका आपका अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब जब पानी आपका तकरीबन खुश होने के करीब होगा तो इस पॉइंट पर आके आपने जो है 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर देना, 1 टेबल स्पून इमली का पानी और 1 टेबल स्पून अचार आपने इसमें शामिल कर देना और मसाले को अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसके बाद इसकी भुनाई शुरू करेंगे, इसे भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो साइडों पे हो जाए, अलग हो जाए ऑयल मसाले से। चले जी, ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। अब इस पॉइंट पे आके हम 1 कप इसमें चने शामिल करेंगे। और साथ इसके हम 1/2 कप दही शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से हम चने को भून लेंगे। अच्छा जी, तो चनों की बुनाई जारी है और यहाँ पर ये मेरे पेरेंट्स हैं जिनकी अक्सर आपको आवाज़ पीछे से जो है वो सुनाई देती होती है, अक्सर बहुत शोर मचा रहे होते हैं। ये हैं मेरे पेरेंट्स, खूबसूरत हैं ये, माशाल्लाह से रौनक लगी रहती है इनकी वजह से। छोटा सा ये जो है ये हमारे पास काफ़ी अरसे का है, लेकिन ये बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार है और इसकी अपनी ही रौनक है। अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल अलग हो गया और चने अलग हो गए हैं।
अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे अपने चावलों के मुताबिक। एक गिलास मैंने चावल लेने हैं तो मैं डेढ़ गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। आप लोगों ने अपने चावलों का हिसाब देख के पानी शामिल करना। अब चावल करने के बाद चावलों में पानी शामिल करने के बाद हम इसका नमक चेक कर लेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि नमक हमेशा पानी में तेज होना चाहिए। अगर नमक थोड़ा सा तेज होगा तो चावलों में नमक बराबर आएगा। अगर नमक हल्का होगा तो चावलों का नमक फीका हो जाएगा। अब ये नमक आपने अपने मुताबिक हंसके जायका शामिल कर लेना। अब इसको बॉयल आने का हम वेट करेंगे। जैसे बॉयल आएगा इसमें हम चावल शामिल करते हैं। बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। एक गिलास चावल चावलों का पानी हम गिरा लेंगे और उसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे दम पे लगाएंगे। लेकिन पानी खुश्क होते हुए हम इसमें दो इंग्रेडिएंट्स और शामिल करेंगे। वो सीक्रेट है, वो जब हम शामिल करेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इस पॉइंट पे आके जब पानी तकरीबन जो है आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है तो हम इसमें शामिल करेंगे कूटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हो तो आप इसको वन टी स्पून भी शामिल कर सकते हैं, तो मैं इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून शामिल करूँगी। वन टेबल स्पून बिरयानी मसाला, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी ब्रांड यूज़ करते हैं। कराची वाले शान यूज़ करते हैं, लाहौर वाले नेशनल यूज़ करते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। अच्छा जी, अब चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें आप। अब हम इस पॉइंट पे आके इसको 10 मिनट का दम दे देंगे, ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। चले जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे चावलों का दम भी पूरा हो चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है, हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अलग अलग कर लेंगे। चावल जो है ये बिल्कुल जो है इस टाइम पे तैयार है, इनकी फाइनल लुक है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।